अलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल यानी कि ऐसी केबल जिसमें फाइबर यूज़ होता है। फाइबर कहते हैं धागे। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स के बने हुए धागे यूज़ हो रहे होते हैं एज ए केबल के तौर पे, यानी कि बिल्कुल ब्रीक ब्रीक ये जो लाइनें लगी हुई हैं इस तरह की, ये केबल होती है, ट्यूब होती है। इस ट्यूब के अंदर ब्रीक ब्रीक पतली पतली वायर्स होती हैं जो गुजर रही होती हैं। थ्रेड्स जैसे होते हैं ना धागे, वैसे ही बिल्कुल सेम ये सारा फाइबर का बना होता है। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो हम बताते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ अ टाइप ऑफ केबल दैट यूजेस, ये इस्तेमाल करती है, दैट यूजेस ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स। या तो ग्लास के बने होते हैं या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं थ्रेड्स। थ्रेड्स का मतलब है धागे, धागे नुमा। फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ अ टाइप ऑफ केबल दैट यूजेस ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स टू ट्रांसमिट डाटा। डाटा ट्रांसमिट करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है वो या तो ग्लास होता है या फिर क्या होता है, प्लास्टिक होता है। ग्लास या प्लास्टिक के थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड्स का मतलब आपको बताया कि वो धागे, जैसे कि हमारे बाल हैं ब्रीक ऐसे ही। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ, या इट कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स। ये ग्लास के बने हुए थ्रेड्स का क्या होता है, एक बंडल होता है। जैसे हम अपने बालों को इकट्ठा कर लें तो वो एक गुच्छा सा बन जाता है, ऐसे ही फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। इट कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स, उसमें से हर एक बाल जैसा कि होता है ब्रीक, ऐसे ही हर एक धागे में से ईच ऑफ विच, इसमें से हर एक केबल होता है, ईच ऑफ विच इज कैपेबल टू ट्रांसमिटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। और उनमें से हर एक थ्रेड का ये काम है कि वो डाटा को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफ़र करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव, लाइट वेव की सूरत में। और ऐसे ही हम कहते हैं, अब ये फाइबर ऑप्टिक केबल क्योंकि महंगे हैं, ग्लास के बने हुए हैं या प्लास्टिक के बने हुए हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए इनके बाहर जो है वो एक कवर होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, टूटने से बचाता है। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं कि क्या क्या खसूसियात हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये बहुत महंगी है। इट इज़ एक्सपेंसिव देन अदर्स। अदर्स का मतलब है दूसरी जो केबल्स हैं, यानी कि कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल से, ये क्या है, महंगी है और इसको इंस्टॉल करना भी मुश्किल है। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना भी मुश्किल है। इसके बाद इसका जो डाटा ट्रांसफरिंग रेट है वो सबसे ज़्यादा है। द डाटा ट्रांसफ़र रेट एट द डाटा ट्रांसफ़र रेट इन फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ हाईएस्ट। डाटा ट्रांसफरिंग रेट
हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा जो डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड है वो इसी में होती है। तो ये हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में है कि फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ अ टाइप ऑफ केबल दैट यूजेस ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स टू ट्रांसमिट डाटा। डाटा ट्रांसमिट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स को। इट कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स ईच ऑफ विच इज़ कैपेबल टू ट्रांसमिट डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव। ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ये बंडल की सूरत में होती है। उन बंडल्स में क्या होता है, थ्रेड्स होते हैं जो कि ग्लास के बने होते हैं, और हर एक थ्रेड का ये काम है कि वो डाटा को ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव। और इसके बारे में है कि ये बहुत महंगी है, इसको इंस्टॉल करना भी सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और इसका डाटा ट्रांसफरिंग रेट सबसे ज़्यादा है। डाटा ट्रांसफरिंग रेट इज़ हाईएस्ट। ये हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक केबल। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।